बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका होस्ट मेहराब हबीब, आप देख रहे हैं टीवी बादशाह। वंस अगेन फूड के साथ आप खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद हूँ शहर कराची में कुरंगी 4 नंबर पर। एक तो शहर के नाम बड़े मुश्किल है, शहर का सफ़र बड़ा मुश्किल है, और अल्लाह राजी नली बिरयानी जो कि बड़ी फेमस है। और अगेन मैंने ये बिरयानी खा चुका हूँ, मैं मतलब ट्राई कर चुका हूँ, और आज की जो हमें बिरयानी खिलाई है वो खिलाई है अली शबीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हो? खैर से? बहुत मशहूर अपने हज़ारा के और कराची के मशहूर नाथ खान हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। आज इन्होंने स्पेशल बुलाया और इनको हमने बुलाया और मिल बांट के हमने बिरयानी खाई, जो कि दिल नहीं था, लेकिन एक अच्छा टेस्ट इन्जॉय करने के लिए कराची को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं इनके लोगों से जाके बात करूँगा, इनके ऑनर से बात करेंगे कि बिरयानी कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, और सुने इनसे अल्लाह बहुत ज़्यादा राजी अली भाई। ऐसे ही है, बेशक बेशक। आपने यहाँ क्यों बुलवाया? आपको पता था कि यहाँ की अच्छी है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारे कुरंगी की आप कह लें कि सबसे मशहूर और सबसे पुरानी आप कह लें कि बिरयानी वाले हैं। कितने साल हो गए इनको? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल तो हो ही चुके हैं। 12 साल हो गए। और सुना है कि रमजान में इनकी ना ब्रांचेज है मौजूद है। तारिक साहब जो है इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे सर हम इस्लामाबाद से, ऐसे तो हम आपके पास जाएंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप ठीक है? आप ऐसा पहले से शायद भाई हैं, वो आपसे बात करें। शायद भी जैसी बात करेंगे, हमें तारिक भाई से मिलना, चूँकि आपको ये सारा क्रेडिट जाता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है, छोड़ दें, आप नाराज ना होइएगा, मैं अपने आपसे बात करनी करनी है। कितना अर्सा हो गया तारिक भाई को मेहनत करते हुए? ये यहाँ पे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी जी। 1 साल में मुझे जहाँ तक लोगों की तरफ फीडबैक पता लगे कि आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत अच्छा रोजो लोगों को अच्छा टेस्ट खिलाया है, जो कि औरों से मुनफरद था। टेस्ट का आइडिया कहाँ से आया? बस टेस्ट तो एक चीज़, ये रेसिपी थी एक अपनी, ठीक है, खास तो, कराची की। हाँ, कराची की थी, तो वही चीज़ ही चला रहे हैं, बाकी अल्लाह की करनी है बस, अल्लाह ने। और जैसे कि आप अल्लाह राजी आपने रखा है, तो सुना अल्लाह राजी, अल्लाह आपसे काफ़ी राजी है? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा उसके बगैर तो है भी नहीं? बिल्कुल, अल्लाह के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेन आपके आइटम कौन सा? बिरयानी है, पुलाव है, क्या है? मेन ये बीफ बिरयानी, बीफ जगह बिरयानी। तो सर नली अलग से है या मिक्स करते हैं साथ? नहीं, नली अलग से। मैं चाहता हूँ मेरे से थोड़ा है ना दिखाएं अपना सेटअप। ये मैं शायद, हाँ शायद भी हैं जी, नदीम अपना कितना शुक्रिया, आपको तंग भी किया और आपकी वीडियो भी हो गई। इस्लामाबाद वाले आपको देखेंगे शायद भी। कैसे आज खरी से कार्ड में आपको दे दूँ, ए सी कार्ड पर आप वीडियो ना सेंड कर देना। जी जी, मैं ज़रूर सेंड करूँगा। आए आप मेरे साथ हैं, शाहिद साहब जो उसको मैनेज करते हैं, माशाल्लाह लोग कसीर तादाद में बैठे हुए हैं। सुना रश बहुत ज़्यादा होता है वीकेंड पे, कितना रश होता है? तकरीबन जगह नहीं हुई ना यहाँ पे, लोग इंतजार। कितने लोग आते हैं, कभी हिसाब लगाया है? नहीं, कोई काउंटिंग नहीं हुई थी। कोई 2,500-3,000 बंदा होता है मे बी, बट नॉट श्योर। मतलब ज़्यादा ही होता है, कम नहीं था। ये इनका मेन किचन है, जो किचन है ओपन किचन है, कोई टेंशन नहीं, कोई भी आता है देखते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आपको दिखाया जाए, यहाँ पर मेन पकवान चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे बताएं, ये गोश्त खिला, ये क्या है? ये दही है, ये गोश्त है, बॉयल हुआ हुआ, ये बॉयल हुआ है, ये एक डेग का सामान तैयार है जी जी। आगे है तो माशाल्लाह आगे मसाला वगैरह बन रहा है। अब्दुल्ला भाई आप अकेले चलेंगे, खुद अंदर थोड़ा सा देखें आगे। यहाँ पर देशके के हिसाब से जो उनका आइटम बनता है वो चल रहा है। और शायद भाई स्टाफ के ऊपर किसी किस्म की कंप्रोमाइज, सफाई सुथराई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है? नहीं, कोई कंप्रोमाइज़। अगर कुछ ऐसा हो जाए कैसे मैनेज करते हैं? बस कर लेते हैं जैसा हो सकता है कर लेते हैं। अब आपको किसी नाराज़ नहीं करते? नहीं, किसी को भी आज तक नाराज नहीं। रेट क्या है आप लोगों का? हमारे औरों की नस्बत हमारे रीजनेबल प्राइस हैं। रीजनेबल प्राइस है। लैक सिंगल का क्या रेट है, डबल का क्या रेट है? भाई पर के जी 560 रुपये है। पर के जी 560 रुपये। अब इस्लामाबाद वाले आप जरा गौर करना, जस्ट ओनली। और बीफ की क्वांटिटी भी आपको अगर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे प्लेटें तैयार हो रही होंगी, चावलों की क्वांटिटी भी ऐसी, और टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है ना। मेरा गला बैठ चुका है, लगातार बिरयानी खा रहे हो, कराची की बिरयानी है फेमस, तो टेस्ट का तो मुकाबला नहीं है, लेकिन हर चीज़ की क्वान्टिटी नेक्स्ट लेवल की है। और टेस्ट का मैंने कहा कि कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपको जाकर ट्राई भी करवाता हूँ उनसे। ऑलरेडी मैंने खा लिया, लेकिन आपके सामने गेंद ट्राई भी करता हूँ। और जैसे कि लोगों को आपने बताया कोई हिसाब किताब नहीं, 4-5 हज़ार बंदा आता है यहाँ पर। उसके अलावा आपके पास क्या है? बस ये हमारे पास चना बिरयानी है, और ये चिकन की, और बीफ, फेमस हमारा बीफ है। कहाँ कहाँ ब्रांचेज है आपकी? एक लियाकतबाद में और एक शादमाद में। लियाकतबाग में तो जो लियाकतबाद लालू खेत, लालू खेत में तो आपकी हुसैन अली भी है जी, वो भी आपको पसंद है कि नहीं? जी जी जी, वो भी नहीं। आपको पसंद है वो? जी जी। देखिए एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। आए ना, मेरे लिए थोड़ी सी आपने खिलवानी, ऑलरेडी मैंने खा लिया, आपको पता है। मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ, ये रोक रहे एक सेकंड, ये चेक करें जी, ये सिंगल है डबल है? ये डबल है, आधा किलो, ये आधा किलो और ये किलो है, ये नीचे वाला 3 पाव, ये नीचे वाला 3 पाव, ये किलो और ये आधा किलो। वाओ, बेहतरीन। दिन के कितने देश के लग रहे हैं आपके? नहीं, इसके कभी काउंट नहीं किए, धन्यवाद चल रहे, कभी भी काउंट नहीं किए, कोई अंदाजा नहीं। मुझे खुद आपको यकीन, मुझे भी नहीं पता ना कितने लग जाते हैं सारा, कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं। आए जी, माशाल्लाह आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर भाई लगे हुए देश का। अगर आपको अब्दुल्ला आप सामने से आओ, तो आपको देश का मैं दिखाऊं।
इसको देखने के बाद इंसान का बीपी लो खुद ही हो जाता है। ये टोटल बीफ बिरयानी है, चिकन बिरयानी इनके पास नहीं होती, चना बिरयानी है और बीफ बिरयानी है। भाई थकते नहीं हो आप? जी सर रुकम करिए सर, क्यों नहीं थकते? बंदा चेंज कब होता है? बंदा सर एक चेंज होता है दो पतीलों के बाद। जी छह बंदे कारीगर रखे हुए हैं, छह हर बंदे के दो घंटे बाद। जी सर कितनी देर में खत्म होता है? सर ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में, 5 से 7 मिनट में एक देश का खत्म हो जाता है। अब्दुल्ला ऊपर आओ, यहाँ से स्पीड दिखाओ इनकी। तो आप सारे यहाँ पे मैनेज कर टोकन शोकन पार्सल? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल वगैरह कराते हैं, बैठे हैं टोकन। तो खुद को भी पसंद है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है, और हम दिन में 3-4 बार खाए ना तो सुकून नहीं आता। ओए दिन में 3-4 दफा ना खाए तो उनको सुकून नहीं मिलता। यकीन है आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो देखकर फूड रिव्यू अच्छा लगा होगा। कोरंगी 4 नंबर पे इनका ये फूड मौजूद है, अल्लाह राजी बिरयानी। यकीन है इनसे अल्लाह बहुत ज़्यादा राजी है और हम भी राजी हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, आपके लिए इंटरेस्टिंग फूड रिव्यूज़ मंडी सेशन आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।